अगर तुम कॉलेज में और तुम्हें एक साइड इनकम शुरू करना है, देन तुमने कभी ना कभी ड्रॉप शिपिंग या फ्रीलांसिंग के बारे में सोचा होगा। एंड हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हो कि दोनों में से कौन सा एक सही हो सकता है हमारे लिए। एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग अ फुल डे, इट्स मी आशा देसाई। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप स्टूडेंट है तो कौन सा साइड हसल आपके लिए एक्चुअली में अच्छा हो सकता है, क्या वो ड्रॉप शिपिंग है या फिर फ्रीलांसिंग है। अब देखो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, दैट मींस आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको ड्रॉप शिपिंग करना चाहिए या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे में आपको पैसे कमाने हैं, राइट? तो आपके दिमाग में ये फैक्ट क्लियर होना चाहिए कि पैसे कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा। एंड चाहे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कितने भी लोग आपको बोले कि कलर ट्रेडिंग कर लो, यूजर टेस्टिंग कर लो, चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके आराम से पैसे कमाए जा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको एक्चुअली में हर महीने एक डिसेंट अमाउंट कमाना है, देन एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ सेल करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो सकता है या फिर सर्विस हो सकता है। तो हम फ्रीलांसिंग एंड ड्रॉप शिपिंग को साइड बाय साइड कंपेयर करके दोनों को पॉइंट्स देने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग। अगर आप फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हैं, देन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रोज हैं, मतलब फ्रीलांसिंग करने के कौन से फायदे हो सकते हैं। इन कंपेरिजन हम ड्रॉप शिपिंग के ही रख रहे हैं, तो अभी आप वही मान के चलिए। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने टाइम के हिसाब से काम को कर सकते हैं। सो इट डजंट मैटर आप कॉलेज में, स्कूल में या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आप अपने हिसाब से अपने स्पेसिफिक टाइम आवर्स पिक कर सकते हैं, उन्हीं टाइम में अपना खुद का फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। एंड अवर सेकंड पॉइंट इज स्किल्स डेवलपमेंट। तो जब भी आप फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही स्किल बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नए नए स्किल सेट सीखने पड़ेंगे ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है। एंड द थर्ड पॉइंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई बिलीव, दैट अगर आप फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हैं, देन आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। यूजुअली अगर आप कोई भी बिजनेस करने का सोच रहे हैं, देन आपको एक हेक्टिक अमाउंट एज ए डाउन पेमेंट देना पड़ेगा या फिर एज ए इन्वेस्टमेंट देना ही पड़ेगा। बट इन केस ऑफ फ्रीलांसिंग यू कैन स्टार्ट लिटरली विद 0 रुपीज। आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए, दैट्स इट। एंड अगर लैपटॉप भी नहीं है, देन मोबाइल से भी ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग स्किल्स है जो इजिली आप कर सकते हैं। ओके, तो ये ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है फ्रीलांसिंग की, बट आपको कॉन्स भी मालूम होने चाहिए। टेक्निकली कुछ घाटे भी तो होंगे इसमें। सो टेक्निकली जब भी फ्रीलांसिंग की बात आती है, सबसे बड़ा जो हमारे सिर पे हमेशा कॉन्स्टेंटली नाचता रहता है, दैट इज इनकंसिस्टेंट इनकम। तो इसका ये मतलब है, अगर आप फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हैं, देन आपके पास एक फिक्स्ड इनकम नहीं है। जैसे जब भी आप जॉब करते हैं, देन आपको मालूम है कि हर महीने आपके अकाउंट में 50,000 आने ही वाले हैं, चाहे आप बहुत बेकार परफॉर्म करें अपने जॉब में या फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करें, 50,000 इज ए फिक्स्ड इनकम फॉर योर जॉब। बट इन द केस ऑफ फ्रीलांसिंग देयर इज नथिंग कंसिस्टेंट। आपको हमेशा एक सेल्फ डाउट रहेगा बैक ऑफ द माइंड में कि अगले महीने इतना पैसे आएंगे भी या नहीं। किसी महीने हो सकता है आपके पास 5 क्लाइंट आए, किसी महीने हो सकता है आपके पास 20 क्लाइंट आए। बट आई पर्सनली बिलीव, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, देन हैविंग एन इनकंसिस्टेंट इनकम इज एक्चुअली ए गुड थिंग। मतलब ठीक है, अगले महीने आपको सिर्फ 10,000 रुपए आ रहे हैं, बट देर आर सम गुड पॉसिबिलिटीज की एग्जैक्टली 2-3 महीने बाद आपको 1,00,000 रुपए आए। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन XYZ फैक्टर्स कि आप कितना ज्यादा काम कर रहे हैं। कुछ काम नहीं कर रहे हैं, देन कुछ भी नहीं आने वाला। सेकंड थिंग जिसमें ज्यादातर लोग अच्छे नहीं होते, दैट इज क्लाइंट मैनेजमेंट। अब देखो, क्लाइंट लाना एक डिफरेंट टास्क है एंड उसको मैनेज करना एक सेपरेट टास्क है। आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि क्लाइंट से बात कैसे करें, क्लाइंट से डील कैसे करें, एंड क्लाइंट का प्रोजेक्ट टाइम पे कैसे दे। बहुत सारे लोग जो फ्रीलांसिंग अभी शुरू कर रहे हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा फियर होता है कि क्लाइंट मैनेज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज सर्विसेज तो डिलीवर हो जाती हैं। सो एट द एंड कभी कभी क्लाइंट्स के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एंड इसी से कोरिलेटेड हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, क्लाइंट मैनेज करना एक सेपरेट स्किल सेट है एंड टाइम मैनेज करना दैट इज टोटली डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल सेट, क्योंकि तुम्हें अपनी पढ़ाई देखनी है, तुम्हें अपना जॉब देखना है एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें क्लाइंट का सरदर्द भी झेलना है। लोगों का साइज बड़ा कर दो, कलर चेंज कर दो, फॉन्ट चेंज करो, बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है, eventually you have to manage everything from your academics to the client's project. सब कुछ streamline motion होना चाहिए and कुछ भी hamper नहीं होना चाहिए इस पूरे process में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ client से बातें कर रहे हैं और अपनी बंदी को छोड़ दिया। नहीं, ये नहीं करना है। भाई बंदी नहीं है, क्या करे? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कुछ नहीं भाइयों, सिर्फ पैसे छापने पे ध्यान दो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीलांसिंग इज गुड, बट उसके थोड़े बहुत घाटे भी हो सकते हैं। बट आई पर्सनली फील वो घाटे एक्चुअली में कोई घाटे हैं नहीं। नाउ लेट्स मूव टू ड्रॉप शिपिंग। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने का सोच रहे हैं, देन आपको क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए। पहली चीज तो ये, दैट ड्रॉप शिपिंग इज एन ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल जिसमें आपको फिजिकली प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं ऑनलाइन। एंड ड्रॉप शिपिंग में भी 2 वेराइटीज है, जैसे इंडियन ड्रॉप शिपिंग एंड इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। पहले आपको वो पिक करना है, देन देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस कि आप किस हिसाब से ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हैं। तो अभी के सिनेरियो में हम लोग इंडियन ड्रॉप शिपिंग का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सो व्हाट आर द प्रोज ऑफ स्टार्टिंग ए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। सो जब भी ड्रॉप शिपिंग का नाम आता है, हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि हमें इन्वेंटरी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। सो टेक्निकली इफ यू वांट टू सेल दिस ईयरफोन,
देन आपको इस ईयरफोन के 1000 यूनिट्स अपने घर पे मंगवाने की जरूरत नहीं है। आपको बस कस्टमर्स लाने अपनी वेबसाइट पे वो लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे एंड आपका सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर को वो प्रोडक्ट भेज देगा एंड जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन है आफ्टर कपल ऑफ वीक्स आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो टेक्निकली दिस इज ए गुड थिंग अगर आपको ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जाना है विद मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज माई सेकंड पॉइंट, लो स्टार्टअप कॉस्ट, विच मीन्स अगर आपको ये बिजनेस मॉडल शुरू करना है देन आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा कंपेयर टू इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन ई कॉमर्स बिजनेस जिसमें 5 से 10 लाख रुपए लग सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकली इन्वेंटरी मंगवानी पड़ती है, लॉजिस्टिक्स मैनेज करने पड़ते हैं, पैकेजिंग मैनेज करनी पड़ती है और ज्यादा सिर दर्द है। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने का सोच रहे हैं देन आप कम से कम 20-30 हजार रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज स्केलेबिलिटी। जैसे आपको एक अच्छा खासा प्रोडक्ट मिल जाता है जिसके ऊपर आपको रेगुलर सेल्स आ रही है देन स्केल करना बहुत ज्यादा ईजी हो सकता है कम्पेयर टू फ्रीलांसिंग जहां पे आपको एक क्लाइंट मिलता है देन आपको ऑटोमेटिकली 10 क्लाइंट नहीं मिल सकते, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, दैट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट ड्रॉप शिपिंग में चीजें आपके हाथ में होती है कि आप किस स्पीड से चीजें स्केल करना चाहते हैं, सो दैट इज ए गुड पॉइंट। बट ये सब खाली सुनने में अच्छा लग रहा है, उतनी चीजें अच्छी है नहीं। लेट मी टेल यू द कॉन्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग। अब मैं कॉन्स की लिस्ट बनाने जाऊंगा तो वो एक्चुअली में बहुत बड़ी है, बट देर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम बात करेंगे। नंबर वन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इंडस्ट्री इज वेरी कॉम्पिटिटिव। हर दूसरा इंसान ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाना चाहता है, सो अपने दिमाग में ये चीज कभी मत रखना कि यू आर दी ओनली वन, आज एड रन करूंगा कल प्रोडक्ट पे सेल आएगी एंड परसों मिलियनेयर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट पे एड रन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू बीट द कॉम्पिटिटिव मार्केट यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। सेकंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। अब देखो, आप लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट भेज रहे हो जिसका क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। मतलब अगर लोगों को ये ईयरफोन जा रहा है देन आपको ये नहीं मालूम कि ये ईयरफोन एक्चुअली में ट्राइड एंड टेस्टेड है या नहीं, ये ईयरफोन एक्चुअली में काम कर रहा है या नहीं, एंड इस ईयरफोन के ऊपर आप एक्चुअली में 6-7 या 1 साल की वारंटी दे भी सकते हैं या नहीं। अनलाइक फ्रीलांसिंग, अगर आप एक प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं देन आप कस्टमर को एश्योरेंस देते हैं कि 1 महीने तक आप यहाँ पे बैठे हैं एंड व्हाटएवर हैपेंस यू आर देयर टू हेल्प देम आउट। बट ड्रॉप शिपिंग के केस में आप क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं ले सकते। फूटा प्रोडक्ट जा रहा है, प्रोडक्ट यूजलेस जा रहा है, दैट इज नॉट इन योर हैंड। एंड एट द एंड इस चीज से कस्टमर सर्विस पे फर्क पड़ता है एंड दैट इज द थर्ड पॉइंट कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है देन आपके कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे आपके प्रोडक्ट को लेके एंड इवेंचुअली आपके पास रेकरिंग कस्टमर नहीं होंगे। कस्टमर कंप्लेन करेंगे एंड कंप्लेन की वजह से प्रोडक्ट रिटर्न करने पड़ते हैं जो हैंडल करना सबसे बड़ा सिरदर्द है जो एक स्कूल या कॉलेज के बच्चे को कभी नहीं झेलना चाहिए। बट सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इंडियन ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हो देन COD होता है, RTO होता है, ये 2 टर्म्स की वजह से इंडियन ड्रॉप शिपिंग करना और मुश्किल हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड अगर समझ में नहीं आया देन लेट मी ट्राई टू पुट माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मैं कॉलेज में होता या फिर मैं वर्किंग प्रोफेशनल होता जिसके पास दिन के 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं देन मुझे क्या करना चाहिए था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ड्रॉप शिपिंग कभी नहीं करता क्योंकि ड्रॉप शिपिंग सुनने में अच्छा लग रहा है बट सिर्फ एक बिजनेस मॉडल को रन करने के लिए आपके पास मल्टीपल स्किल सेट होने चाहिए। आपको फेसबुक एड रन करना आना चाहिए, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए क्योंकि आपको फेसबुक एड्स के क्रिएटिव एडिट करने होते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कस्टमर मैनेजमेंट एक सेपरेट स्किल सेट हो जाता है। सो आई बिलीव अगर आपने मन बना ही रखा है कि ड्रॉप शिपिंग ही करना है देन पहले ये सारे स्किल सेट सीख लीजिए एंड इन स्किल सेट की हेल्प से आप पहले फ्रीलांसिंग करिए, मेक सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, फिर अपने शौक पूरे करो, बैंकॉक जाओ, दुबई जाओ, शौक पूरे हो जाते हैं, अकाउंट में अच्छे खासे पैसे पड़े हैं एंड फालतू के जब भी 40-50 हजार रुपए पड़े हुए अकाउंट में तब जाके ड्रॉप शिपिंग ट्राई करना। सो कंक्लूजन यही निकलता है कि इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन दिस होल ऑनलाइन इंडस्ट्री वेर यू वॉन्ट टू मेक एक्चुअल मनी देन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसके अंदर एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट लगे, बिकॉज इवेंचुअली इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो देन अच्छा थोड़ी ना लगता है दोस्तों और पेरेंट्स से पैसे मांगना। और मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पैसे किसी और से मांग के अपना खुद का बिजनेस मॉडल स्टार्ट करें। फर्स्ट बिल्ड योर फाउंडेशन, हैव सम स्किल सेट इन योर पॉकेट एंड देन इवेंचुअली यू विल हैव सम कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट मी पैसों के साथ कॉन्फिडेंस आता है। वो रिलेटिव्स को ना ऐसे जवाब देने में मजा आएगा। सो आई गेस दैट विल वेट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको फ्रीलांसिंग पूरा स्क्रैच से सीखना है देन मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है विच यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर आई बटन में। एंड अगर मेरी बात नहीं माननी है ड्रॉप शिपिंग शुरू करना है उसका भी कोर्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। सो मैं चलता हूँ, आई गेस यू रियली लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। इट्स मी आशा दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ। चीयर्स।